नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बालाजी एमाइंस के बारे में। इस कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखने को, क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद दोस्तों इस कंपनी में लगभग 18 से 20% के आसपास जो है कि गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों आप सभी को पता है कि मार्केट है, जब शुरू में अपने को कुछ तेजी देखने को मिली तो वहाँ से कुछ गिरावट देखने को मिलती है, वहीं पर अगर कुछ ज़्यादा गिरावट हो जाती है तो वहाँ से कुछ रिकवरी भी देखने को मिलती है। ऐसा ही इस स्टॉक में भी हुआ है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी आज के दिन देखा था 18 से 19% डाउन हुए थे, जो कि आखिरी चरण में कुछ रिकवर भी किया है। वहीं पे दोस्तों कुछ इन्वेस्टर मतलब जो आखिरी क्षण में हो सकता है कि बाइंग किया हो, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि इस कंपनी के ये जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट है यही दोस्तों नहीं खराब आए हैं, कई क्वार्टर से कंपनी के रिजल्ट खराब ही आ रहे हैं। सेकंड दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस कंपनी में और भी गिरावट हो सकती है, तो क्या हम सेल कर दें, जिससे रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। बालाजी एमाइंस के ऊपर कंपनी की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी 5.5% 5.25% जो कि आपको जो डाउन दिख रहा है दोस्तों, एक्चुअल में अगर हम इस कंपनी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनी ने जो है कि रिकवरी दिखाया है, जो कि आप देख सकते हैं लगभग 13% के आसपास कंपनी ने रिकवरी दिखाया है। वहीं पर अगर इसको 5 ऐड कर देंगे तो ये कंपनी लगभग 18 से 19% के आसपास डाउन है। यहाँ पे आप न्यूज़ भी देख सकते हैं कि आज के दिन जो है कंपनी में लगभग मतलब ये कंपनी जो है कि 500% का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, जो कि फेस वैल्यू पे होता है। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18% इस कंपनी ने आज के दिन लो लगाया था, मतलब आज ही के दिन कंपनी ने एक नया तो नहीं कह सकते लेकिन बाउंड बिक लो आप कह सकते हैं कंपनी ने दिखाया है, जो कि क्वार्टर फोर के अर्निंग के बाद ही देखने को मिली है। वही भी दोस्तों इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे, और कंपनी के कई क्वार्टर से रिजल्ट भी खराब आ रहे हैं, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपनी के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट है वो डिक्लाइन देखने को मिले। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एस्टिमेशन को कंपनी ने बीट नहीं किया है, मतलब देखा जाए तो कंपनी के जो रिजल्ट हैं एकमात्र कारण है, रिजल्ट के कारण ही स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कि 18 से 19% मतलब वहाँ तो 18% देख लिया, यहाँ पे जो है कि 19% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे देखेंगे तो 15% जो है कि कंपनी में गिरावट देखने को मिली। और सेकंड दोस्तों कंपनी के जो CFO की बात करें तो उन्होंने रिजाइन भी कर दिया, जो कि ये सबसे बड़ा निगेटिव बन गया। हालांकि दोस्तों देखा है तो कंपनी मतलब जो रिजल्ट है दोस्तों कई क्वार्टर से खराब देखने को ही मिल रहे हैं, जो कि इसी में एक तड़का और लग गया। हालांकि दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट बन गया, निगेटिव पॉइंट क्या बना दोस्तों कि इसमें 6 entities की बात करें, जो मतलब 6 companies के कुछ की पर्सन थे दोस्तों, उन्होंने जो है कि इस्तीफा दे दिया, उसके कारण स्टॉक में लगभग 19% स्टॉक ये डाउन हो गया। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि एक साथ 6 इस्तीफे खबर मिलते ही निवेशक मतलब बेचने लगे अपने शेयर। मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है, कभी भी किसी कंपनी से रिलेटेड कुछ भी न्यूज आते हैं तो उसमें कुछ की पर्सन होते हैं दोस्तों, मतलब जिनके कारण कुछ स्टॉक जो है कि मतलब कंपनी चलती है या कंपनी में कुछ मूव अप डाउन होते हैं, तो उस हिसाब से देखा है तो यही वो 6% है दोस्तों, जिनके नाम भी आप यहाँ पे जा करके देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो स्वतंत्र निदेशक नवीना थम्मी सेट्टी चंद्रा, काशीनाथ रेवड़ा, यहाँ पे सत्यनारायण मूर्ति चावले, अमर रेड्डी, तमाम जो है कि बिमला वेहराम मोदन ने भी इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों की वजह से कंपनी में आज के दिन जो है कि स्टॉक ने एक नया लो भी मतलब नया लो नहीं आप कह सकते हैं 52 week low लगाया है। हालांकि दोस्तों देखिए अभी सेल करना नहीं करना वो तो जो है कि अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप अपना खुद का एनालाइज करना है, लेकिन हाँ जो मेरा मानना है दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मार्च ऑन मार्च पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 780 करोड़ का अगले साल का था कंपनी का सेल्स, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो फिर कंपनी डाउन हो गई। उसके बाद फिर कंपनी सितंबर में डाउन हो गई, और इसके बाद की बात करें तो फिर कंपनी दिसंबर में डाउन हो गई, अभी की बात करें तो मार्च में भी कंपनी डाउन हो गई, जिसके कारण दोस्तों आप देख सकते हैं मतलब कंपनी के जो सेल्स हैं वही डाउन होते चले गए, मतलब कंपनी के बिजनेस के ऊपर ही इफेक्ट पड़ते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन होते हुए दिख रहा है, जब सेल्स ही नहीं दोस्तों तो प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होता है, प्रॉफिट भी तो जो है सेल्स से ही जनरेट होता है। यहाँ पर भी देखें दोस्तों तो कंपनी का मतलब कितनी जबरदस्त जो है कि आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी जो है कि जबरदस्त डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है, और हर क्वार्टर में जो है कि डाउन होते चली गई है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर हम इस कंपनी का सबसे बड़ा जो कंपटीटर दोस्तों एल्केलेमाइन की अगर हम बात करेंगे तो इस कंपनी का देखा जाए जो मतलब जो इनका बिजनेस है दोस्तों सेल्स की बात करें तो ये एक स्टेबल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब अगर हम एक साल के बैकग्राउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप, इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में जंप, यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है। देखा जाए दोस्तों देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मतलब एक जंप तो देखने को मिल ही रही है, वहीं पर अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे जंप,
नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों जो रिटेलर्स फंसे हैं, सबसे पहले उनसे इतना ही बताना चाहते, देखिए दोस्तों ये मार्केट है, मार्केट में कुछ ना कुछ जो है कि अनसर्टेन रहता है, कभी कोई कंपनी की इस्तीफा देता है, कभी कोई जो है कि कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं। तो इस हिसाब से देखा है तो अभी भी प्रमोटर के पास लगभग 72% के आसपास स्टेक है। वहीं पर अगर हम एफआईआई की बात करें, देखिए दोस्तों अगर कंपनी के बिजनेस में आने वाले समय कंपनी का बिजनेस नहीं चलता तो सबसे पहले यहाँ से जो है कि आप देख सकते हैं मतलब प्रमोटर कुछ हैवी स्टेक को सेल भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पर अगर एफआईआई की बात करते, एफआईआई ने माल को एक मिनट के जो कि आने वाले फ्यूचर में दोस्तों देखिए कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि इस समय निगेटिव चल रहा है, देखिए दोस्तों ये निगेटिव है, निगेटिव नहीं रहेंगे तो स्टॉक गिरेंगे क्यों, और आप जो है कि निचले लेवल पे बाइंग कैसे करेंगे। तो ये भी जो है कि एक अप्स एंड डाउन जो है कि मार्केट में चलता रहता है, इसके साथ ही जो है कि मार्केट ऊपर चलता है। वहीं पर अगर हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पर लगभग 4-5 क्वार्टर्स जो है कि वो एक्युमुलेट करते ही जा रहे हैं। तो हालांकि देखा जाए तो ये भी मतलब यहाँ से यहाँ तक इन्होंने एक्युमुलेट किया, इसके बाद जो है कि एक हैवी एक्युमुलेट किया, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी किया। यहीं पर अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी जितना भी स्टेक है लगभग देखा जाए तो 25% 24% पब्लिक के पास स्टेक है। अभी बालाजी माइंस में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, देखिए एक क्या होता है दोस्तों कि एक लॉन्ग टाइम का न्यूज होता है, कि लॉन्ग टाइम मतलब देखा है तो स्टॉक अगर एक बार गिर गया तो उठता नहीं है, रिकवरी नहीं दिखाता है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में आप देखेंगे तो इस कंपनी ने रिकवरी भी दिखाया है, मतलब आज के दिन भी चलिए जिन्होंने भी बाइंग किया होगा लगभग उसको 12% का रिटर्न भी मिल गया। तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि मतलब ये कितना फास्ट रिटर्न बना के देने वाली कंपनी है। वहीं पर अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने में देख सकते हैं कि एक कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। हालांकि दोस्तों इसके पहले इस कंपनी ने एक अच्छा खासा तेजी भी दिखाया था, लगभग देख सकते हैं कि 15% के आसपास कंपनी ने तेजी भी दिखाया था, जो कि मतलब देखा जाए तो एक ट्रेडर्स के लिए दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें कुछ निगेटिव आता है तो उसमें जो है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है। वहीं पर अगर हम 6 महीने की बात करें तो कंपनी 25% के आसपास डाउन है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो अभी तक ये कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में ही चल रही है। वहीं पर अगर निगेटिव की बात करें तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट जो है कि निगेटिव आ गए, जो कि हो सकता है कि और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में जो है कि वही 25% के आसपास कंपनी डाउन है। 5 साल में देखेंगे दोस्तों, 5 साल में कंपनी जो है कि 250% का रिटर्न बना के दिया है। एक्चुअली बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में जो है कि फंसे भी है दोस्तों। फंसे होने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये कंपनी 50% आज भी जो है कि डाउन है। हालांकि दोस्तों अगर ये 50% कंपनी डाउन है तो ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी। तो इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि जिस हिसाब से कंपनी डाउन है दोस्तों उसी हिसाब से कंपनी जो है कि रिटर्न भी बना के देती है। जैसा कि आप यहाँ से यहाँ तक अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1500% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया दोस्तों। यहाँ 1200 से 1500% का कंपनी रिटर्न बना के दिया था कोविड के बाद। देखिए दोस्तों जो कंपनी इतना फास्ट रिटर्न बना के देगी तो इतनी फास्ट गिरावट भी दर्ज करती है। वहीं पर अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे दोस्तों, तो ये कंपनी आज से मार्केट में नहीं है, बहुत पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है। और कंपनी का जो आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, पहले ये कंपनी इतना तेज नहीं चलती थी, इसके बाद कोविड के बाद ही इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों जो रिटेलर के पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो होल्ड करके लॉन्ग टाइम के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी कुछ नेगेटिव है तो उसके ऊपर भी आप चाहे तो अपना एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में ज़्यादा गिरावट मेरे पॉइंट से तो नहीं हो सकती, फिर भी देखा जाए तो ये कंपनी हो सकता है कि 2000 से 2100 के बीच में ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो देखा जाए तो अभी कई क्वार्टर से नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कंपनी मेरे पॉइंट से वही 2200 से 2300 के बीच में या 2000 के बीच में ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।